नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल स्टूडियोज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख के समझ ही गए होंगे, आज का मैजिक ट्रिक जो है वो मैं करने वाला हूँ एक टिक टैक टो के साथ। तो टिक टैक टो तो दोस्तों मैं सारी खा चुका हूँ, तो मेरे पास है यहाँ पर एक खाली डिब्बी टिक टैक टो की। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह है वो खाली डिब्बी, राइट। एंड मेरी जेब में एक आई थिंक, हाँ ये रहा एक वो एक कॉइन, छोटा कॉइन है। और ये है दोस्तों कुछ 10 पैसे का कॉइन। तो आज जो है हम इसी के साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है मैं इसे खोल लेता हूँ, और मैंने जो है ये कॉइन दिया, इसे इसके अंदर डालने की कोशिश करता हूँ तो नहीं जा रहा है क्योंकि छेद छोटा है। तो जो है अब इस कॉइन को जो है अब हम मैजिकली इसके अंदर डालेंगे। तो मैं इसे जो है ऊपर से तो ये जा नहीं रहा, तो मैं इसे नीचे से लेके जाऊंगा, राइट। एंड अब आप देखते जाइए, बिकॉज मैजिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये रही वो टिक टैक टो की शीशी। एंड 3, 2, 1। एंड जैसा कि आप सभी दोस्तों देख सकते हैं, द कॉइन इज राइट इन साइड ऑफ द बॉक्स। तो ये है दोस्तों वो टिक टैक टो की शीशी, राइट। और अब जो है ये कॉइन इसके अंदर है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। एंड इसे मैं जो है वो बाहर नहीं निकाल सकता। तो बहुत ही दोस्तों सिंपल सी ट्रिक है, एंड आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों इसका राज जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स को नीचे जरूर से लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दोस्तों वो बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसके वक्त उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इस ट्रिक का क्या राज है और इसे कैसे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब चलिए अब देखते हैं कि इस ट्रिक का राज क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे पास है यहाँ पर वही वाली टिक टैक टो की डिब्बी जिसमें जो है वो मैंने वो कॉइन डाला था। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम इसमें से वो कॉइन निकाल लेते हैं। जी हाँ, तो इस कॉइन को जो है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इस ट्रिक को आपको करने के लिए चाहिए होंगे 2 आइडेंटिकल कॉइन्स। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये रहे मेरे पास वो 2 आइडेंटिकल कॉइन्स। तो मैं यहाँ पर दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही पुराना सिक्का, जो कि है 1990s का 10 पैसे का कॉइन। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा सिक्का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा सिक्का आप नहीं यूज़ कर सकते ट्रिक को करने के लिए। आप चाहे तो ये 25 पैसे का सिक्का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहो। तो सबसे पहले जो है वो आपको चाहिए होगी एक शीशी, और आई मीन से एक डिब एम्प्टी बॉक्स ऑफ टिक टैक टो। अब आप चाहो तो दोस्तों आप बड़ा बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये छोटा वाला बॉक्स ही यूज़ करो, राइट। आई थिंक ये सबसे जो एक सबसे छोटा होता है ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये वो वाला साइज़ है। एंड आप जो है इसका जो है ये जो सीलिंग होती है ना, ये कागज़ वाली, ये जो जहाँ पर टिक टैक टो लिखा है स्टिकर है, इसे यहाँ से जो है वो काट लीजिए ताकि जो है आप इसे इस तरीके से ओपन कर पाएँ। उसके बाद दोस्तों इस कॉइन को लीजिए, एक कॉइन को इसे यहाँ पर रखें, राइट, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर रखें, और जो है इसे यहाँ से लीजिए और इस तरीके से इसे जो है थोड़ा सा यहाँ पर रखिए, राइट, इस तरीके से इसे बंद कर दीजिए। जैसे आप बंद करेंगे आप देख सकते हैं कि आपको वो जो है वो कॉइन नहीं दिख रहा है, लेकिन इस एंगल से आप उस कॉइन को देख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप जल्दी से इसे पढ़ेंगे तो आप जो है वो कॉइन आपको नहीं दिखेगा, बल्कि आपके सामने वाले को नहीं दिखेगा, और नीचे भी वो नहीं दिखेगा, और यहाँ से भी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से दिख जाएगा, राइट। तो आपको जो है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है वो कौन कौन से एंगल जो है फ्लैश करने हैं और कौन कौन से एंगल्स नहीं फ्लैश करने हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद सिंपली आप जो है ये वाला कॉइन दिखाइए, इसे यहाँ पर रखिए, और उसके बाद जो है 3, 2, 1 इसे ज़ोर से इसके ऊपर मारेंगे। जब कुछ इस तरीके से आपको ये वाला हाथ जो है इस तरीके से नीचे कर देना है, ये कॉइन आपका यहीं पर रहेगा, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो है आप एम्प्टी बॉक्स दिखा सकते हैं सामने वाले को, और इंस्पेक्ट भी करवा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कॉइन जो है अब इसके अंदर है और ये बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की मैजिक ट्रिक। और मेक श्योर दोस्तों आप ट्रांसपेरेंट टिक टैक टो का बॉक्स ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिवीलिंग होती है, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आपको दोस्तों हमारी आज की मैजिक पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में दोस्तों वो बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको उस वक्त उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।